हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? देखिए, मैंने फ्रीजर से मंगाई निकाला है, 1 घंटे रखा था मैंने इसको बाहर फ्रीजर से निकाल के। अब ये थोड़ा कम ठंडा है तो मैं इसकी देसी घी निकालूंगी। पहले मक्खन निकालूंगी, मक्खन से देसी घी निकालूंगी और इसमें मैं कुछ भी नहीं ऐड करूंगी। बहुत आसान और बहुत कम बर्तन गंदा होगा इससे। तो देखिए, मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, बड़ा बर्तन ही लीजिए, जो भी आपके पास बड़ी कढ़ाई या बड़ा भगोना हो आप उसको लीजिए। और उसके नीचे मैंने ट्रैवलिंग रखी है ताकि जब मैं हाथ से मंगाई को घुमाऊंगी ना तो ये घूमेगा नहीं इधर उधर। तो मैंने सारा, मतलब मंगाई जितना है कटोरे का, मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। और ये बहुत आसान तरीके से मैं घी निकालूंगी और बहुत अच्छा शुद्ध घी निकलेगा। इसमें मैंने कुछ नहीं मंगाया है, दही आटा कुछ भी नहीं मंगाया है। और इतना ठंडा मंगाई होना चाहिए कि इसमें आपका हाथ आराम से जाए और आप इसको मंगाई को फेंटते जाइए। एक ही तरफ फेंटिए, जैसे जिस तरफ आप फेंट रहे हैं हाथ से उसी तरफ ऐसे फेंटते जाइए। 5 मिनट में देखिए मंगाई से पानी निकल आएगा तो ये मक्खन बन जाएगा। हेलो फ्रेंड, आप अगर मेरे चैनल को देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आप कहाँ से देखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरा चैनल देखते हैं। आपको अगर पसंद आता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आता तो भी आप कमेंट करके बताइए कि मैं कैसे बनाऊं अपना चैनल। कुछ नहीं करना, बस इसको फेंटते जाना है। जल्दी जल्दी फेंटिए, हाथ अगर दर्द हो तो थोड़ा आप रुक जाइए। ये डेंगी जो मेरे यहाँ दूध आता है ना, मैं उसको पका के रख देती हूँ और रात में इसको फ्रिज में भगोना रख देती हूँ, सुबह इसकी मंगाई में निकाल लेती हूँ। तो ये 15 दिन का घी घी मतलब 15 दिन की मंगाई मैंने रखी हुई थी फ्रीजर में। देखिए अब पानी छोड़ने लगा है ना मंगाई, अब इसमें मक्खन बन रहा है। हाथ से नहीं घुमाते बनता, जब मक्खन बनने लगता है ना तो ये हाथ से नहीं घुमाते बनता, तो इसको थोड़ा सा समेट लेना चाहिए बीच में। अब ये मक्खन में बनाइए, देखिए कितना ज़्यादा सा मक्खन बन गया। आप इसको खा सकते हैं ब्रेड में, रोटी में, आप इसको पराठा भी सेकिए, अच्छा लगता है। और फिर इसका आप घी निकाल लीजिए, 2 दिन खाइए, उसके बाद आप इसका घी निकाल लीजिए। 2 दिन से ज़्यादा आप इसको मत रख के खाइए। देखिए मैंने ऐसे उठा उठा के गोंगा बना के रख लिया है, देखिए कितना ढेर सारा बन जाता है। इस तरह फेंटने से आसान भी होता है, गैस भी नहीं खराब होती है और बन भी अच्छे से जाता है। और ये जो दूध बचता है ना, इसकी दही आप जमा लीजिए, मैं तो इसकी दही जमा लेती हूँ। ये मंगाई का गाढ़ा दूध होता है ना, इसको आप कोई भी यूज में ला सकते हैं। दही जमा लीजिए, पनीर बना लीजिए, मैं दही जमा लेती हूँ इसका। ये देखिए रेडी हो गया ना मक्खन, आप इसको खा ऐसे भी खा सकते हैं और इसका घी भी निकाल सकते हैं। तब जो मैंने भगोना जिसमें मतलब क्रीम था ना मंगाई थी, अब उसी में इसको रखती हूँ। और ठंडा पानी एकदम फ्रिज का ठंडा पानी इसके ऊपर डालिएगा ताकि एकदम और सख्त हो जाएगा। और उतना पानी डालिए जितना कि मतलब इसके लिए सही हो। ये देखिए इसमें इसको ऐसे ऐसे दबा के थोड़ा सा, देखिए अब इसमें से कच्चा दूध नहीं निकलना है ना मंगाई का, अब ये मक्खन एकदम बन गया है ना। ये देखिए इसको दबाइए, दबा गया इसको। ये देखिए कितना सॉफ्ट मक्खन बना हुआ है। इसी तरह मैं सारी जो मंगाई से मक्खन निकला हुआ ना, सबको ऐसे ही दबा के ठंडे पानी में निचोड़ लेती हूँ।
ये देखिए मैंने सबको ऐसे ठंडे पानी में जितना मक्खन था सबको दबा के निचोड़ दिया उसका पानी। अब इसको रख देती हूँ साइड में। देखिए ज़्यादा बर्तन भी नहीं गंदा हुआ, एक मंगाई का भगोना, एक कढ़ाई और एक कंचुंग, बस मक्खन रेडी हो गया। अब इसको मैं कढ़ाई में जिसमें मैंने मंगाई फेंटा था ये इसी कढ़ाई को मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ और इसी में मक्खन डालती हूँ और घी निकल आएगा। ये देखिए मैंने सब डाल दिया। अब ये धीरे धीरे पिघलेगा और इसको आप चंगाते ही रहिएगा, इससे कढ़ाई जंगेगी भी नहीं, आपका घी भी अच्छे से निकल आएगा, घी भी नहीं जंगेगा। इसको मीडियम फ्लेम करिएगा गैस का, फुंग पे करेंगे ना तो जंग जाएगा, इसलिए मीडियम पे ही करिएगा। सारा मक्खन देखिए पिघल के अब इसका घी निकल आएगा, ऐसे ही चंगाते रहिए। दस मिनट लगता है घी निकल आता है। इसको साइड से भी ऐसे चंगाते रहिए ताकि मैं तो साइड में भी जो क्रीम हो तो वो भी निकल आए। फ्रेंड आप मेरे चैनल को कहाँ कहाँ से देखते हैं आप ये भी लिखा करिए कि आप कहाँ से देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं कि मेरा चैनल आपको पसंद आया, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलिए। और आप ये बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी लगी मेरी, ये भी कमेंट में बताइएगा। ये देखिए अब देखिए अब ये मंगाई एकदम से मक्खन घी में बदल गया है। ये देखिए देसी घी निकल आया है। इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी और गैस बंद कर दूंगी और ये अपने आप ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर। इतना होने पे गैस की फ्लेम आप बंद कर दीजिए और ये अपने आप ठंडा हो जाएगा। अब इसको एक कांच के बर्तन हो, जार हो या प्लास्टिक का जार हो, किसी में आप इसको निकाल लीजिए छन्नी से छान के। देखिए मैंने स्टिंग की छन्नी ली है, कांच का जार है मेरे पास, मैं उसी में देसी घी छान लेती हूँ। देखिएगा इसमें कितना थोड़ा सा बचता है, जो देसी घी बनाते हैं फिर छानते हैं तो उसमें बहुत ढेर सारा नहीं, इसमें देसी घी अच्छे से निकल आता है और इसका जो खुरचन रहता है ना वो बहुत थोड़ा सा बचता है।
देखिए देसी घी निकंगा है, छान गया मैंने सारा, और इसका जो देखिए कितना थोड़ा सा निकंगा हुआ है, जो देसी घी और कढ़ाई भी नहीं जंगी है, देखिए इतना थोड़ा सा निकंगा हुआ है, ये हस्बैंड खा लेते हैं। मैं इसका कुछ नहीं करती, हस्बैंड को पसंद है तो जो इसका बचता है देसी घी का तो मैं इनको दे देती हूँ खाने के लिए। देखिए कढ़ाई में देखिए थोड़ा बहुत हींग लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं लगा हुआ है, कढ़ाई भी नहीं जंगी, अच्छे से साफ भी हो जाएगा। ये देखिए इतना निकंगा हुआ है देसी घी, देखिए पूरा भर गया जार, ये 1 किलो देसी घी निकंग आया है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, देखिए देसी घी रेडी हो गया।